हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शताब्दी। कैसे हैं आप लोग? आशा रखती हूँ कि सब लोग अपने घरों पे सेफ और सुरक्षित हो। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम के 6 बजे से मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज है भाई दूज और आप सभी को मेरी ओर से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बिना लेट किए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो भाई दूज के इस पावन मौके पे मेरे खुद के अपने भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड की दीदी यहाँ पे रहती है, कज़न सिस्टर यहाँ पे रहती है, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हुए हैं, तो भाई दूज का मौका है, तो हम इनवाइटेड हैं उनके घर पे, मेरी ननद के घर पे। तो जा रहे हैं ननद के घर अभी, भाई दूज का मौका है, तो मेरे हस्बैंड को भाई टीका के लिए और भाभी को भी बुलाते हैं, तो मैं भी जा रही हूँ साथ में। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कि थोड़ा बहुत जितना भी हो सके कैसा रिचुअल होगा, क्या रिचुअल होगा। तो चलिए अभी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं अभी मेरे ननद के घर पर। तो अभी जो भाई दूज का रिवाज है, रिचुअल है, वो स्टार्ट होने वाली है। तो सब लोग तो कैमरा फ्रेंडली नहीं होंगे, मैं आपको जस्ट क्लिपिंग्स दिखाऊंगी और किसी से मिलवाना मैं ट्राई करूंगी मिलवाने के लिए, अगर कैमरा फ्रेंडली सब लोग नहीं होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पहले से ही सॉरी कह देती हूँ, लेकिन फिर भी रिचुअल्स ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि कैसे रिचुअल्स वगैरह होते हैं भाई दूज का हमारे यहाँ पे। सो हे गाइस, जो भाई दूज का रिचुअल है वो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम था, तो मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने अपना ही फोटो सेशन थोड़ा सा किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूँ कि उस दिन मैंने क्या पहना हुआ था। मैंने एक सूट पहना हुआ था, उसके मैचिंग दुपट्टा लिया हुआ था। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है भाई दूज का रिचुअल। ये देखिए यहाँ पर थाली सजाया गया है, सबका अलग अलग नियम होता है, जो मेरी ननद का नियम है वो थोड़ा सा अलग है हमारे में से। तो अभी मेरे हस्बैंड को जो है वो टीका वगैरह दे रही हैं, वो मुझसे जितना हो सका मैंने क्लिपिंग्स शेयर किया, उतना तो मैं क्लिपिंग्स शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि बहुत सारे चीज़ों में था। तो इसी तरह उसके बाद हमने जो है डिनर वगैरह किया, और बस इस फोटो के द्वारा मैं अपना वीडियो जो है वो एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी फिर आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।